तिंदा केरो भोते हेरा मिठड़ो सुआदे कला घन तिंदा तना रातन यादे असे जिमरू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू व्लॉग लेकर आ गया हूं, जिसमें भैया हैं, रोहित हैं और दी, हम सब जा रहे हैं जंगल में कसोड़ लेने के लिए। तो बस हम सब मिलके वहां पे एंजॉय भी करेंगे, कुछ एंटरटेनमेंट करेंगे, गाना वगैरह म्यूजिक वगैरह गाएंगे और आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए बस भैया, अभी हम आगे हुए हैं तो खाएंगे खाएंगे और हम तिंदा भी वहाँ पे खाने वाले हैं आज, ठीक है? तो हमारा प्लान है पूरा एंजॉय करने का वहाँ पे, तो हम जा रहे हैं, देख सकते हैं हम भैया आ रहे हैं, ठीक है? ये रोहित है, ठीक है? तो हम निकल गए अपने घर से और चल रहे हैं वहाँ रास्ते के लिए। मौसम काफी ज्यादा अच्छा है इस समय, हवा चल रही है। शाम के टाइम यहाँ पे डेली ऐसा रहता है कि मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो दोपहर के टाइम धूप होती है, लेकिन अभी इस टाइम पे मौसम काफी ज्यादा जबरदस्त, मन करता है कि हम बस घूमें इन पहाड़ियों में, इन वादियों में घूमें, ठीक है? बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मौसम है यहाँ पे। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो मैं चल रहा हूँ, अभी जा रहे हैं हम जंगल के बहुत पीछे ही, हमारे जंगल है, ठीक है? वहाँ पे जो सब्जी मैंने आई थिंक आपको पहले भी एक बार कवर किया था, कसरोड़ की सब्जी, हम उसको भी लेंगे वहाँ से। तो के लिए आप इसमें बने रहे हैं, मैं आपको भी कवर करके दिखाता हूँ कैसा यहाँ पे किस तरह का मौसम हो गया है यहाँ पे। अभी जा रहे हैं और आगे भैया हैं, रोहित हैं, ठीक है? तो बस अभी हम जा रहे हैं, सब इंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत सब्जी भी मिल जाएगी हमें, देखते हैं कैसा आज नज़ारा है वहाँ पे। देखिए यहाँ की सीनरी किस तरीके की, बादल देखिए, मौसम देखिए अब कैसा हो रखा हुआ है। तो बस अभी हम चल रहे हैं, ठीक है? मिलते हैं आपको आगे पहुँच के। इस भैया हमें कुछ बताएंगे जो अभी रास्ते में मिला हुआ है। भैया क्या है यहाँ पे, बताएं कुछ? ये फ्रूट्स है यार। अच्छा, इस फ्रूट का कुछ नाम बताएं? एप्रिकॉट है ये, जंगली एप्रिकॉट। अच्छा, एप्रिकॉट की ही स्पीशी है एक। अच्छा, साड़ी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, वो है ये, बहुत सारी पकी हुई है, देख लो। हाँ हाँ, उधर आगे देखो तो सबसे वो तो एप्रिकॉट ही है। अच्छा, वो क्या, ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे, इस तरीके से हमें और भी शायद से पेड़ मिलने वाले हैं, जो हम जिसकी नॉलेज हमें नहीं होगी वो आज हम भैया से लेने वाले हैं, ठीक है? इसलिए हमने भैया को अपने साथ लाया हुआ है आज। हाँ वाओ, यहाँ पे तो गाइस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है यहाँ पे। देखो पेड़ में किस, आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन काफी ज्यादा लगी हुई है यहाँ पे और ये बहुत ही ज्यादा मजेदार टेस्ट है। हमारी पूरी गैंग बनी हुई है, ठीक है? मैं भी हूँ, भैया भी हैं, रोहित भी हैं, तो हम सब मिलके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डर भी रहता है। जैसे कि एक बार मैंने आपको बताया था कि टाइगर भी मिल सकते हैं यहाँ पे, फिलहाल अभी तो इस समय तो होंगे नहीं, लेकिन क्या पता उनका, ठीक है? जंगली जानवर का, हम जंगल में जा रहे हैं तो कहीं कुछ हो भी सकता है। तो फिलहाल तो हम चार बंदे हैं, तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, चल रहे हैं, ठीक है? और मैं दिखाता हूँ अभी आगे का व्यू आपको। ये देखिए, ये आगे का व्यू हमारे कैसा, ये हमारी गड है, यहाँ का नाला जिसे कहते हैं, मतलब पानी आता है यहाँ पे बारिश के मौसम में इस पूरे नाले से। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी होगा। मैंने आपको ये घराट चलता था इस नाले में। अच्छा अच्छा, घराट था यहाँ पे सच था। अच्छा, एक्चुअली कुछ कुछ बातें मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहा भी थोड़ा कम हूँ, लेकिन आज हम भैया से पूछ लेंगे यहाँ पे क्या था भैया यहाँ पे। सच में घराट चलता था हमारे। अच्छा कहते थे। अच्छा, घराट वही जो चक्की का आटा है ना, नाले में था, पानी सूख गया है। अच्छा, अब कहाँ, अब तो पीने के लिए भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो पहले काफी यहाँ पे है हमारे घर में, उसका अभी वो पत्थर पड़ा हुआ है घराट का। अच्छा, जो हमारे दादाजी ने बनाया था। अच्छा, पापा ने बनाया था। अच्छा, वो चलता था घराट यहाँ पे। अच्छा, पीने के लिए भी नहीं है पानी। अच्छा, तो गाइस आप देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे पहले जो पानी यहाँ पे घराट चलता था। घराट आपको कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, घराट वो चीज़ है जहाँ पे मतलब मशीन होती है, नेचुरल तरीके से बनाई जाती है, आटा पीसने की चक्की जिसे बोलते हैं, तो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है, पानी फ्लो करता है और वो गोल गोल मतलब एक मशीन बनाई होती है, तो उसके कहते हैं घराट। तो बस अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, तो बस अभी हम कसोड़ भी हमें मिल रही है आज। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे आए हुए थे तो कसोड़ ढूंढना, भैया को अभी तिंदा मिले हैं, ये दिखाएंगे भैया हमें। ये देखो, ये पके हुए हैं। अच्छा, ये है पके हुए। अच्छा, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, ये है, ये पके हुए हैं। अच्छा, इन्हें बोलते हैं तिंदा। तो ये अभी भैया को मिले हैं, ये निकाल रहे हैं यहाँ से। इनका टेस्ट कैसा होता है, मैंने भी नहीं शायद से इतना टेस्ट किया है। करेंगे आप ना।
तो एक मैं टेस्ट करके बताने वाला हूँ आपको कैसा है ये। तो गाइस सच में ये गाइस आज पके हुए मैं भी इस साल के पहले ये तीन खा रहा हूँ, तो देखेंगे कैसे हैं। यम्मी यम्मी यार, ये तो खत्म ही हो गए, हम बाद में पहुंचे शायद, है ना। लोगों ने यहाँ पे पहले आके यहाँ पे चुन लिए हुए हैं इनको, लेट पहुंचे हैं ना। तो चलो ठीक है गाइस, हम भी खाएंगे एक एक करके। ये एक खाया हुआ तो खाना है। तीन था केरो भोते हेरा मिठड़ो सुआदे, काला घना त्यों धा तना रातन यादे, असे जिमरू फल भी खानू पर घने बने मां। तो गाइस ये होते हैं तेंदुए। बहुत ही अच्छा भैया ने अभी गाना गाया तेंदुआ के ऊपर, तो हमें टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट भी इनका बहुत ज्यादा अच्छा है और भैया ने भी इसके ऊपर गाना गा दिया एक अच्छा बहुत ज्यादा। और चलिए अब आगे हमें देखते हैं क्या, और मिलते हैं तेंदुआ, ढूंढ रहे हम। जैसे कि ये खा रहा हूँ तेंदुआ कहते हैं इन्हें, भद्रवाह की फेमस, मतलब लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं खाना बहुत, और मिलता भी बहुत ज्यादा मुश्किल है ये तरीके से। तो और इसका टेस्ट ऐसे मतलब खट्टी मिट्टी इमली होती है ना उसकी तरह भी आ रहा है। अब देख सकते हैं इसका कलर भी इमली की तरह ही है लगभग, बिल्कुल रेड है। त्यूंदा नहीं कहते, त्यूंदा भद्रवाह का मतलब जंगल का जो मिलता है अच्छी खाने को, टेस्ट है। यहाँ के पेड़ हल्की हल्की सी काफी हवा चल रही है, और आप यहाँ का देखिए नज़ारा किस तरीके से। अभी हम आए हुए हैं, कई लोग अगर यहाँ पे एडवेंचर के लिए आएंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। ये देखिए, और दी यहाँ पे देखो कसरोड़ ढूंढ रहे हैं हमारे, और इनको काफ़ी मिल रही है आपको कसरोड़। हाँ। अच्छा, तो इनको कसरोड़ मिल रही है, लास्ट टाइम आए थे बड़ी मुश्किल से हमें कसरोड़ मिल रही थी, तो आज हमें मिल रही है क्योंकि अब थोड़ा इनका सीज़न भी होता ही है लगभग। जब हम आए थे तब भी थी यहाँ पे लेकिन कम थी, और अभी भी थोड़ी उससे ज़्यादा लगी है, लेकिन जो लोग होते हैं वो पहले पहुँच कर ले जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि दुकानों पे इस समय ये बहुत काफ़ी ज़्यादा महंगी भी बिक रही है, 70-80 रुपए किलो आई थिंक इसका रेट चल रहा है। और लोग कई लोग तो ऐसा करते हैं कि जंगल में आते हैं और पूरी कसरोड़ को ढूंढ के दुकानों पे बेचने लग पड़ते हैं, तो हम तो फिलहाल अपने खाने के लिए ढूंढने आए हुए हैं, लेकिन अभी थोड़ी कम मिल रही है तो इसीलिए हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। तो वहाँ भैया वहाँ नीचे बैठ के बैठे हुए हैं, तो बस मैं, दीदी और रोहित, हम तीनों ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रास्ता, ठीक है। मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये पहाड़ में मिल गया, ठीक है। ये रे दी ऊपर जा रहे हैं ऊपर के लिए, ऊपर रोहित भी है वो भी ढूंढ रहा है रोड, तो बस अभी हम देखते हैं ऊपर मिलती है हमें कि नहीं मिलती। मिली कसरोड यहाँ पे, देखो गाइस यहाँ पे हमें कसरोड मिली है, और बाकी स्टेट में आई थिंक इसको लंगड़ा कुछ ऐसे कहते हैं शायद से, सब्जी का नाम है इसकी। तो बस अभी हम तोड़ रहे हैं, ये देखो रोहित भी यहाँ पे तोड़ रहा है। तो ये देखिए किस तरीके से लगी होती है, मैं आपको थोड़ा पास से दिखा दूँ, तो ये है कसरोड़, ठीक है। ये थोड़ी और बड़ी होगी तो ये गोल हो जाती है पूरी, जैसे कि ये ना देखो यहाँ पे, देखो ये है कसरोड़, ठीक है। ये देखिए ये कसरोड़ है, इसकी सब्जी काफी ज्यादा टेस्ट बनती है, ठीक है। ये कसरोड़ है, तोड़ो इसको भी, ठीक है। मच्छर भी थोड़े थोड़े से लगे हुए हैं यहाँ पे, काट रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जंगल भी दिखा दूँ आपको अपने पीछे, ठीक है। टी शर्ट पहन के आया हूँ, मच्छर एकदम से आ जाते हैं, थोड़ा भी कोई इंसान एक जगह स्टेबल खड़ा रहे तो मच्छर काटने स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ा चलते रहिए तो फिर ठीक रहेगा, जंगल है, जंगल में ऑब्वियसली मच्छर तो यहाँ पे होंगे ही। तो बस मैं जल्दी जल्दी कसरोड़ मिल जाए फिर निकलते हैं घर के लिए, या कुछ मतलब कुछ गाना वगैरह सुनते हैं भैया से, एक और भद्रवाही सॉन्ग, ठीक है। हमारे जो इसमें मैक्सिमम भद्रवाह के व्यूअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनका तो यही डिमांड रहती है कि कोई भद्रवाही सॉन्ग हमें सुनने को मिल जाए। तो ये देखिए मच्छर कहाँ जा रहा है, अरे बाप रे, तो कीड़ा आ गया। तो यहाँ पे एक जंगल है, तो कीड़े मच्छर सब कुछ हमें यहाँ पे मिलेंगे देखने को। और चलिए जल्दी जल्दी कसरोड़ ले लेते हैं, उसके बाद नीचे जाके हम आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। सभी अखरोट चुन के ले आए हुए हैं दीदी और रोहित, चलो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी कितनी लेकर आए हुए हैं अपने पॉलीथिन में। ये इनको दोनों का हमने चैलेंज दिया था कि सबसे ज्यादा कौन लेकर आएगा अपने पॉलीथिन में, इन दोनों ने ढूंढ के लाइए लिफाफे में, चलो देखते हैं इनके पॉलीथिन में।